हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. वेलकम टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग. आज रवि का बर्थडे है, सो आई थॉट कि मैं व्लॉग करूं एंड आप लोगों को दिखाऊं कि हम हर साल रवि का बर्थडे कैसे मनाते हैं. इस साल का भी इतना कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है. रवि का बर्थडे हम हर साल घर में ही मनाते हैं, बट दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि शाम को थोड़ी बहुत अच्छी पार्टी हो जाए. सो आवर मॉर्निंग रिचुअल सेज दैट रवि, बिकॉज यू गाइज नो उसको थोड़ा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, मैं उसको जितने भी गिफ्ट देने होते हैं मैं सुबह ही दे देती हूँ. एंड जो गिफ्ट होते हैं उसके, दोज आर फन स्कूल, क्योंकि उसको जिंदगी में एक ही चीज का शौक है, विच इज प्ले डो के फन स्कूल. वो किसी और ब्रांड के क्ले एक्सेप्ट करता ही नहीं है. सो हमने कल ही रात को गिफ्ट्स पैक करा लिए थे. आई हैव गॉट 6 बिग बॉक्सेस ऑफ फन स्कूल एंड अभी हम उठ के उसको देने वाले हैं. ऑल्सो वन रिचुअल इज दैट हमारे घर में जब भी किसी का बर्थडे होता है हम नई चादर बिछाते हैं, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है. आज खाने में बहुत कुछ स्पेशल बनने वाला है. सो आई थॉट आज का दिन परफेक्ट व्लॉगिंग के लिए एंड आई नो दैट यू गाइज लव रवि एंड ये वाला ओकेजन मैं मिस नहीं कर सकती थी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स सेलिब्रेट रवीज बर्थडे. वाओ, रवि के बर्थडे पे हमने रवि क्या बिछाया? बिस्तर. न्यू चादर. अभी रवि को क्या देंगे? फन स्कूल. अरे वाह, कितना एक्साइटेड. रवि, रवि के ग्रीन गिफ्ट आ गए. टेबल, वेरी गुड. चलो खेली करो. नाश्ते में क्या है? नाश्ते में आज है बर्गर टाइप का सैंडविच. अच्छा, बर्गर सैंडविच. रवि को स्पेशल ब्रेकफास्ट, स्पेशल लंच. रवि की खाने की भी तो मेरी तरह अलग डिमांड्स होती है. मैंने जैसे बर्थडे पे बोला था मुझे सोया चाप खाना है, रवि की बताओ क्या डिमांड है? शाही पनीर खाना मटर नान के साथ. रवि एक्साइटेड. द डे इज गोइंग ग्रेट सो फार. रवि का मूड आज बहुत अच्छा है एंड क्योंकि मैंने सुबह सुबह उसको इतने सारे फन स्कूल दे दिए, ही इज एंजॉयिंग द मोस्ट. कल रात को उसकी जितनी भी फन स्कूल की कलेक्शन थी जो वो खेल खेल के सुखा चुका था, सारे उसने फेंक दिए. ही लाइक्स कलेक्टिंग दिस, लाइक दैट इज हिज प्रॉपर्टी. सो अभी 6 नए फन स्कूल देख के वो पूरा ही मतलब एक्साइटेड हो गया है एंड कूद रहा है एंड ही सो हैप्पी. हमारे बहुत सारे रवि के बर्थडे गए हैं जिसमें ही इज एंशियस एंड वो खुद ही का बर्थडे एंजॉय नहीं कर पाता, बट सिंस ही is on medication these days, he's happy, he's relaxed, he's calmer. I have all his gifts laid down in front of me. I'm gonna show you guys what all we got apart from the fun school, kyunki saal mein ek baar Ravi ki acche se shopping hoti hai. He doesn't need much, wo ghar pe hi rehta hai, hum zyada usko ghumane bhi nahi le ja pate hain. So yeah, these are the things that we got. So sabse pehle maine Ravi ke liye liye hai ye headphone, usko gaane sunna bahut pasand hai, especially Punjabi songs. So I really wanted to gift him something and kyunki wo cheeze jaldi tod देता है एंड खराब कर देता है. आई रियली वॉन्टेड समथिंग वेरी अफोर्डेबल क्योंकि आई नो आई हैव टू बाय इट ओवर एंड ओवर अगेन. सो नाउ ही इज एंजॉइंग सॉन्ग, वो एक बार सुबह से गाना सुन चुका है. दीज आर ग्रेट. देन आई गॉट फॉर हिम दीज वुडलैंड के शूज, दे आर लेदर शूज. रवि का पैर काफी बड़ा, लाइक हिज फुट साइज इज 10 or 11. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट. बहुत ही सुंदर इसका टेक्स्चर है एंड दीज आर ब्लैक. उसके लेसेस उससे खुद से भी नहीं बनते हैं बिकॉज ही इज अ लिटिल चबी एंड ना मेरे पापा ना मुझसे बनते हैं. So we all don't really like tie up shoelace type ke shoes and yeah, these are pretty comfortable and ye thoda Vans wali look mein hai. So these were for around I think 2600, which is affordable considering it's woodland. Then I got this jo aaj wo sham ko pehnega.
क्योंकि रवि का फेवरेट कलर इज ग्रीन, सो मैं उसके लिए ये टी शर्ट लाई हूँ. एक्चुअली आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मिंत्रा. दिस इज इन आर्मी ग्रीन, बॉटल ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर, अ हाफ स्लीव राउंड नेक टी शर्ट एंड इट सेज पार्टी टाइम. सो रवि को ऐसे टाइप की टी शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, प्लेन, सूदिंग एंड थोड़ा बहुत शाइन. सो ये थोड़ा गोल्डन में है काम एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. उसको ड्यूक के लोअर्स ही आते हैं. एज अ ब्रांड ड्यूक इज वेरी लाइक साइज फ्रेंडली, प्लस साइज फ्रेंडली. सो दिस इज इन ब्लैक. ये प्लेन ब्लैक टाइप का पजामा है, लोअर है, जो वो घर में पहन के रवि घूम सकता है. देन आई गॉट वन इन ब्लू, द सेम बेसिक सॉर्ट ऑफ पजामा एंड दिस इज अ लिटल लाइक स्पोर्टी. यहाँ पे थोड़ी आपको रेड एंड व्हाइट की पाइपिंग मिली है एंड दिस गोज ऑल द वे डाउन. सो तीन अच्छे लोअर्स हो गए रवि के सीजन में पहनने के लिए एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फॉर माई डियर रवि. इट इज टाइम फॉर सम बर्थडे स्किन केयर. सो टू ट्रीट माई स्किन टूडे आई एम गोना बी यूजिंग द 10% नियासिनामाइड सीरम फ्रॉम द डर्माको. दिस वॉज प्रिस्क्राइब टू मी इन द स्किन असेसमेंट टेस्ट दैट यू कैन टेक ऑन देयर वेबसाइट. दिस प्रोडक्ट डजंट रियली हैव अ रिचुअल काइंड ऑफ थिंग. अगर आप सुबह यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाओ. नियासिनामाइड के मैंने इतने ज्यादा एडवांटेजेस सुने हैं, लाइक दे आर सो गुड फॉर एक्ने एंड यू गाइस कैन सी मेरे एक्ने स्कार्स विजिबली बहुत ज्यादा पहले से लाइट हो गए. यू गाइस इवन हैव बीन कॉम्प्लीमेंटिंग मी ऑन माई स्किन कि मैं एक अपडेटेड स्किन केयर रिचुअल अपना शेयर करूँ आप लोगों के साथ. एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ केमिकल जो आपकी स्किन को हील करता है, लाइक पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है एंड एक्ने के लिए दिस इज अ रिमार्केबल प्रोडक्ट. द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर विटामिन B3 एंड जिंक. विटामिन B3 इज ऑल्सो नियासिन और नियासिनामाइड. पर्सनली मैंने जितने भी डर्माको के प्रोडक्ट्स यूज किए दे आर सेफ एंड इफेक्टिव. द ब्रांड इज डिजाइन बाय डर्माटोलॉजिस्ट. ऑल्सो दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स जो ऑनेस्टली पोटेंट इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज डिस्क्लोज करते हैं इफ दे आर यूजिंग विटामिन सी और कोजिक एसिड और इवन नियासिनामाइड. इस पे आपको दिखेगा दे हैव रिटन 10% नियासिनामाइड सीरम. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड इश्यूज विद माई एक्ने एंड नाउ टू सी देम फेडिंग अवे आई जस्ट फील लाइक आई कैन ट्रूली फील माई सेल्फ एंड मुझे अब इतना फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बेयर स्किन भी जाऊँ तो. एंड आई थिंक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. द ब्रांड ऑल्सो स्टैंड फॉर दिस. यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव टू हाइड बिहाइंड एनी फिल्टर्स. माई फेस लुक्स रियली नाइस एंड इफ यू यूज इट फॉर लाइक 4 to 5 weeks आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा. इट्स नॉट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपको 2 दिन में या 2 हफ्ते में एकदम रिजल्ट दिखाएगा. दीज हैव टू बी यूज रेगुलरली एंड तभी आपकी स्किन पे अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, इफेक्ट दिखा पाएंगे एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली सी इट. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आप लोगों को एक अपडेटेड स्किन केयर रूटीन चाहिए तो. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो aditi25 फॉर 25% ऑफ ऑन द dermaco.com. मैं नीचे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बट जस्ट सो यू नो दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क एंड आई जस्ट फील लाइक कोई मुझसे पूछे तो डर्माको का नंबर 1 प्रोडक्ट मैं इसी को बोलूंगी. वी आर इन द ड्राइंग रूम राइट नाउ. पीछे रवि के बर्थडे का डेकोर चल रहा है. रवि का फेवरेट कलर ग्रीन है एंड उसको ब्लू भी पसंद है. सो वी मेड श्योर दिस टाइम आई गेट अ डेकोर डन जो प्रॉपर पीकॉक थीम्ड हो. आई विल लेट यू नो कि पूरा लुक हो के कैसा लगता है एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट द डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मैंशन कर दूँगी मैंने कहाँ से डेकोर कराया. मेरे बर्थडे का भी यहीं से हुआ था. अनिंदिता एंड मेरी मॉम ने प्लान किया था एंड आई रियली लव द डेकोर सो आई कॉल देम अगेन दिस टाइम रवि के बर्थडे के लिए. नहीं तो हर साल मैं ही छोटा मोटा अपनी तरफ से डेकोर कर देती हूँ बट दिस टाइम आई वॉन्टेड टू थ्रो अ ग्रैंड पार्टी फॉर हिम. There is an Instagram store called the Jyoti Jia store. She sent me a cake for Ravi. Totally wasn't expecting this, but it's a chocolate cake and is pe Ravi ka naam bhi likha hua hai. Thank you so much.
रवि खुश? क्या लेगा दिवाकर भैया से? फन स्कूल. सबसे फन स्कूल ही चाहिए इसको. रवि आर ए वी आई कहाँ लिखा दिखाओ. आ रहे रवि ने सारी कपड़ों में क्ले लगा ली. न्यू टी शर्ट में क्ले लगा ली. ये तो है रवि के कपड़े. अभी ये नाय नाय करेगा. क्या अभी अच्छे कपड़े पहनेगा? ग्रीन वाले ग्रीन टी शर्ट. Let's go and see inside the kitchen क्या बन रहा है. शाही पनीर रवि का फेवरेट. जैसे मैंने 500 के हिट किए थे उसमें मैं व्लॉग में दिखाना भूल गई थी, बट मम्मी ने जब अनंदित और आर्श आए हुए थे तब भी शाही पनीर बनाया था. बट दिस इज आर फैमिलीज फेवरेट एक्सेप्ट माई डैड, उनको तिल पनीर नहीं पसंद. बट या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. उसने इतना सुंदर काम कर दिया. लाइक इतना बड़ा ड्रॉइंग रूम अच्छे से पूरा कवर कर लिया. ही वॉज सो क्विक. एंड आई रिमेम्बर माई मॉम टेलिंग मी के जब मेरा बर्थडे का भी किया था ना तो उन्होंने एक घंटे में सारा कर दिया था. ऑफकोर्स मेरा और ज्यादा डेकोरेशन था, बट रवि डजंट केयर. उसको बस ग्रीन एंड ब्लू बलून चाहिए. सो हियर यू गो. और उसने इतना सुंदर ऐसे टेबल भी सजाया. लाइक लुक एट दिस. यहाँ बीच में जब केक डलेगा तो कितना प्यारा लगेगा. कांट वेट टू सी द पिक्चर्स के मैं इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करूंगी या रवि के केक काटते हुए लेगी. आई वॉन्ट हिम टू बी सो हैप्पी. अभी वो खुश है. मैंने नान ऑर्डर कर दिया है एंड वी आर गोना हैव सम लंच नाउ. बहुत ही प्यारा है. जो जैसा रवि चाहता था वही है, कलर है ना. हाँ, वो उसके स्पिरिट्स हाई हो गए थे. बहुत खुश हो गया था वो देख के. एंड उसको ना स्कूल में जब वो स्कूल जाता था उसको नेम स्पेल करना सिखाया था आर ए वी आई रवि. सो जब उन्होंने उसके नाम के ये बलून्स निकाले तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था. सो काफ़ी सुंदर डेकोर है. तो बर्थडे बॉय क्या है ये और ये लता. सब कुछ मिल गया और साथ में इतना बड़ा फन स्कूल का कुतुब मीनार. नई चादर नई टी शर्ट पे गिरा लिया. क्या चाहिए रवि को? नान. मम्मी खाएगी. हाँ मम्मी भी खाएगी. रवि कितना कंसिडरेट है. कह रहा मम्मी कब खाएगी. रवि इज इन फॉर राउंड टू एंड मेरी बस अभी प्लेट सजने ही वाली है. What's up? I just got ready. बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी. I had to film a video, which is video number 2 of Quirky Diwali. That series is coming up real soon in November. But yeah, I got done with the video. I tried to edit it. थोड़ा सा मैं बीच में बिजी हो गई. आधी editing रहती है. And then I got ready. I had to get ready in lightning speed. Like मैं 10-15 मिनट में तैयार हुई हूँ. I did this very nude makeup and a little bit of like rose gold sort of eye and these. Earrings are from Oshri Accessories and I'm wearing this very pretty kurti. Yeah, like this is from Meesho and the jeans is from Zara. I've been trying to shop from Meesho because mujhe bahut sare request aa rahi thi ki aap please Meesho pe review karo because a lot of people are making videos on them. So maine kafi cheeze mangayi hai wahan se and abhi tak sirf yahi deliver hui hai and I feel like the quality of this one is super cute. Let me know agar aap logo ko review plus haul video chahiye Meesho ki ya nahi chahiye. I would love to do that for you guys. So yeah, this is the look. And while I was editing, Ravi ke do cake deliver ho gaye. One is sent by Anindita. Uski sister Ankita aaj land hone wali hai. So she's busy. She couldn't come, but she sent Ravi a very pretty cake. And also Yuktika from Secret Behind Cakes sent a cake jo maine specially Ravi ke liye order kiya tha. It's a custom cake jo fun school jaisa dikhta hai. Kind of like picture cake. And uske saath maine aap logo ke liye Ravi ki playlist bhi add karayi hai taki aap Ravi ke favorite song sun sako. In case anyone is interested, so let's go look at the cakes. Let's go cut the cake क्योंकि शाम हो गई है and party अभी शुरू होने वाली है. Birthday boy is sitting right here. मेरी मम्मी ने glass and bowl निकाल दिए हैं serve करने के लिए. This is his new t-shirt. मैंने आप लोगों को जो सुबह दिखाई थी party time.
तो ये है रवि का केक नंबर वन जो ज्योति जी आज स्टोर ने भेजा है. इट वॉज अ सरप्राइज. एंड देन दिस इज सेंट बाय अनिंदिता. इट्स फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड चोको मेनेस. एंड उन्होंने मेरा ब्लूबेरी चीज केक भी बनाया था मेरे बर्थडे पे. ये सेम फ्लेवर है एंड इट्स अ डिफरेंट डिजाइन बट इट लुक्स क्वाइट स्टनिंग टू बी ऑनेस्ट. एंड देन ये वाला केक मैंने युक्तिका सीक्रेट बिहाइंड केक से मंगाया है. एंड इसमें प्लेडो लाइक इट्स अ पिक्चर केक. रवि को फन स्कूल बहुत पसंद है सो इट लुक्स लाइक दिस. एंड मैंने इसमें रवि के सारे फेवरेट गानों की स्पॉटिफाई लिस्ट भी बनवाई है. सो वी आर गोना प्ले एंड मैं रवि को बोलूंगी डांस करने को जब हम स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट चलाएंगे. लुक एट हिम स्माइलिंग. इतना ज्यादा खुश हो रहा है ये मम्मी को देख के क्योंकि रवि के लेस चिप्स इसमें डल रहे हैं. एंड देन इसको मिरिंडा एंड फैंटा बहुत पसंद है ऑरेंज वाली सो हम इसमें वो भी डालने वाले हैं. रवि बहुत ज्यादा खुश लग रहा है इस टाइम पे. रवि रवि का क्या है बर्थडे? रवि क्या मना रहे? Happy birthday! इट वॉज अ वेरी नाइस पार्टी. बहुत टाइम बाद हमने रवि का बर्थडे ऐसे मनाया. लाइक हम हमेशा पार्टी करते हैं बट इतना ज़्यादा डेकोर एंड इतना ज़्यादा गिफ्ट्स एंड नाचना गाना हम हमेशा केक काट के ऐसे छोड़ देते हैं. बट आई गेस दिस ईयर हैज़ बीन अबाउट सेलिब्रेटिंग द स्मॉलेस्ट लिटिल थिंग्स. एंड इवन इफ रवि कांट अंडरस्टैंड हाउ ग्रैंड दिस बर्थडे वॉज, he really enjoyed it. So I just wanted to end the vlog right here. I was feeling super unwell the whole day. I also shared it on my Instagram ki I am trying to vlog Ravi ka birthday but it will be a short vlog. So I'm really sorry if it wasn't that level of quirky vlogs, but to make it up to you I have a few bachpan ki photos Ravi aur meri and I'm gonna tell you guys a few stories if you guys are interested. So this is Ravi's photo जिसमें रवि का मुंडन कराया था ताज़ा ताज़ा एंड वो गंजा सा है. सो दिस इज़ वॉट ही लुक्स लाइक. बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है रवि इसमें. एंड इसमें रवि इज़ लर्निंग टू वॉक. दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. आई थिंक ये हमारा उदयपुर की छत है. थोड़े वहाँ पे ऐसे ही पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना. सो ये हमारा रूफ होता था एंड वहाँ पे रवि चलना सीख रहा है. एंड दिस इज़ सो क्यूट. लाइक लुक एट हिज एक्सप्रेशन. Also we have a lot of photos from Ravi's birthday. This is from the year 2000 and इस पे if you see यहाँ पे happy birthday अक्षित लिखा हुआ है. Most of you don't know रवि का नाम शुरू में हमने अक्षित रखा था. My name अदिति, रवि's name अक्षित. And then किसी पंडित ने बोला था कि R से रखो या फिर वो नाम रखो जिसका मतलब सूरज निकलता हो. So we also thought about आदित्य but then R निकला था word तो हमने रवि रख दिया which means सूरज. And yeah रवि का नाम पहले अक्षित था. This is also from one of the birthdays. This is in the year 99. And ये मेरे नाना है. ये रवि केक काट रहा है एंड यहाँ मैं बहुत ही फनी कुछ पोज. लाइक आई वॉज सच अ गूफी चाइल्ड एंड आई यूज टू स्पॉइल पीपल्स फोटोज. सो या दिस इज वॉट रवि's बर्थडे फोटो लुक्स लाइक.
ये मैंने रवि को पकड़ा हुआ है गोदी में. दिस इज बेबी रवि एंड दिस इज मी स्माइलिंग मेरे छोटे भाई के जन्म पे. सच अ क्यूट फोटो. दिस इज ऑल्सो रवि का बर्थडे जिसमें रवि पापा की गोदी में बैठा हुआ है और मैं नाना जी की गोदी में बैठी हुई हूँ. एंड रवि किसी चीज़ को देख के रो रहा है एज यूजुअल. उसको कोई खाने की चीज़ चाहिए होगी और वो देख के रो रहा होगा. लाइक दिस इज क्लासिक रवि. इसमें भी रवि बहुत ज्यादा रो रहा है. एंड आई टोल्ड यू गाइज ना, जब हमारी डेकोरेशन हो रही थी तो दिवाकर को रवि ने फेस टाइम किया था ना. दिवाकर मेरी मम्मी की जब से शादी भी नहीं हुई थी ना तब से वो हमारा हाउस हेल्प था, मतलब मेरे पापा की साइड से. एंड वो काफी टाइम तक ही स्टक बाय अस बिकॉज ही वॉज लाइक अ फैमिली मेंबर. एंड वो बहुत कम सैलरी पे, जब हमारे मतलब बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं थे तो वो कुछ टाइम फ्री में कुछ टाइम ऐसे काम कर रहा था बिकॉज वी वर ऑल इमोशनली अटैच टू हिम. एंड ही वॉज एंड ही इज माई ब्रदर एंड मैं उसको हमेशा राखी बांधती थी. सो रवि का भी बहुत ज्यादा कनेक्शन था एंड दिवाकर ने रवि का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है. सो मैंने दिवाकर से उसका फेस टाइम कराया बिकॉज ही नोज कि रवि के बर्थडे वाले दिन दिवाकर उसको फन स्कूल जरूर देगा. सो हियर इज दिवाकर विद ऑल ऑफ अस थ्री. दिस इज माई कजिन, दिस इज मी एंड दिस इज रवि. सो हम तीनों को उसने उठाया हुआ है एंड एज यूजुअल रवि इज क्राइंग हियर. आई डोंट नो व्हाई रवि इज क्राइंग इन एवरी लिटिल पिक्चर. लाइक लुक एट दिस. इसमें भी दिवाकर ने पकड़ा हुआ रवि को एंड ही इज क्राइंग हिस्टेरिकली. आई डोंट Not understand why my cousin me, जिसमें मम्मी ने मुझे कुछ लड़का टाइप का बनाया हुआ है एंड दिस इज रवि. लाइक ओ माई गॉड, रवि कैसे ऐसे आंखें फाड़ के इतना क्यूट सा लग रहा है. एंड देन दिस इज आर उदयपुर होम. मैंने आप लोगों को अपनी कार वीडियो में बताया था कि हमारे पास पहले मटीज होती थी. सो पीछे आपको बैकग्राउंड में मटीज दिखेगी एंड दिस इज मी, दिस इज रवि. उदयपुर की सर्दियाँ काफी ज्यादा सर्द होती थी एंड दिस इज फ्रॉम द ईयर 2001. एंड या दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. वी लुक वेरी क्यूट एंड एज यूजल मैं अपने गूफी सेल्फ में अलग अलग शक्लें बना के पोज कर रही हूँ. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इट जस्ट रियली टुक मी डाउन मेमोरी लेन एंड आई फील ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज राइट नाउ. इस वीडियो को रवि के लिए लाइक कर देना, कमेंट करके बताना इस ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा. एंड इफ यू सीइंग दिस स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल द वीडियोस लिंक बिलो. आई नो यू गोना लव देम. एंड इफ यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स ऑन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे. एंड फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल्स राइट देयर, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.